तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के लेकर बेहद ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों उन बड़ी अपडेटों के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हैं चेन्नई सुपर किंग के सुपर वाले फ़ैन। तो दोस्तों वहीं बात करें मेगा ऑक्शन 2025 का डेट जो कि नज़दीक आता जा रहा है, और ऐसे में सभी टीमें अपनी अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। ऐसे में बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के लेकर बेहद ही बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है। बता दें कि दोस्तों उनमें रिटेंशन को लेकर है, उनमें टारगेट को लेकर है, जी हाँ दोस्तों उनमें रिलीज को लेकर है। तो दोस्तों बता दें कि उनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम निकल के आ रहा है रिटेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट जो चेन्नई में मीटिंग की है, इनमें रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों के बारे में बात हुई है। ऐसे में बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट अभी से तैयारियाँ शुरू कर दिए मेगा ऑक्शन के लिए। वहीं दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट का बात करें तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ है टारगेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग के मीटिंग में यह भी तय हुआ है टारगेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, और टारगेट को लेकर लिस्ट बना रहे हैं, जिनमें दो बड़े खिलाड़ियों के नाम उन लिस्ट में शामिल हैं, जिनमें से पहला नाम है ईशान किशन। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन बेहद ही बड़े विकेट कीपर बल्लेबाज है, और चेन्नई सुपर किंग को एक चाहिए इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज जो MS धोनी की जगह ले सके। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग ईशान किशन को टारगेट करती हुई नज़र आने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरे बड़े खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों वह है तिलक वर्मा। जी हाँ दोस्तों, तिलक वर्मा बेहद ही टैलेंटेड युवा बल्लेबाज है और मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और हाल के बल्लेबाजी करते हैं, मुंबई इंडियंस से अभी हाल फिलहाल में खेल रहे हैं। ऐसे में बता दें कि मुंबई इंडियंस इन दो बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के टारगेट लिस्ट में इन दो बड़े खिलाड़ियों का नाम है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग से खेलते हुए नजर आए यह बल्लेबाज। ऐसे में बता दें कि तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है डेविन कॉनवे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि डेविन कॉनवे को रिलीज करने वाली है चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि बता दें कि मेगा ऑक्शन में यह खबरें निकल के आ रही हैं कि आप सिर्फ 5 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। ऐसे में अगर 5 खिलाड़ी रिटेन होते हैं तो बता दें कि चेन्नई सुपर किंग कंफर्म रूप से डेविन कॉनवे को रिलीज करने वाली है, क्योंकि बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के पास ऑलरेडी बड़े बड़े खिलाड़ी है जिन्हें रिटेन करना चाहेगी। उनमें सबसे बड़ा नाम है ऋतुराज गायकवाड़, फिर आते हैं MS धोनी, फिर शिवम दुबे, फिर रविंद्र जडेजा और मथीसा पथिराना। जी हाँ दोस्तों, भविष्य के बड़े तेज गेंदबाज चेन्नई सुपर किंग के बनने वाले हैं मथीसा पथिराना। और बता दें कि मथीसा पथिराना जो कि चेन्नई सुपर किंग के मीटिंग में भी शामिल थे, ऐसे कंफर्म होता है कि मथीसा पथिराना को रिटेन करने वाली है चेन्नई सुपर किंग। ऐसे में यह खबरें जो कि चेन्नई सुपर किंग से निकल के आ रही थी। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।